हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर वीडियो है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिए हैं तो आई बटन थ्रू आप प्ले लिस्ट में आकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम सीखने वाले हैं nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, सो इससे पहले हमने ई रेस्ट पर ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव निकाला, साइन ए एक्स प्लस बी का निकाला, लॉग ए एक्स प्लस बी का निकाला। आज हम 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का nth डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो फंक्शन है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखिए कैसे करना है। हमने इसे फैक्टराइज कर लिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। हमने लिख दिया एक्स प्लस ए आयोटा इंटू एक्स माइनस ए आयोटा। ओके ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इसका क्या कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। ओके, सो जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हमें मिलेगा डी एन ऑफ 1 ओवर 2 ए आयोटा 1 ओवर एक्स माइनस ए आयोटा माइनस 1 ओवर एक्स प्लस ए आयोटा। ओके ओके, अब जो हमारा कांस्टेंट है 1 ओवर 2 ए आयोटा उसे आप बाहर लीजिए तो मिलेगा 1 ओवर 2 ए आयोटा डी एन ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस ए आयोटा माइनस 1 ओवर एक्स प्लस ए आयोटा। ओके, अब इनके हम एन डेरिवेटिव लिख देते हैं तो मिलेगा 1 ओवर 2 ए आयोटा एन डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस ए आयोटा हो जाएगा हमारा माइनस 1 रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल एन ओवर एक्स माइनस ए आयोटा रेस्ट पावर एन प्लस 1। ओके ओके, माइनस अब हम एन डेरिवेटिव लिखते हैं 1 ओवर एक्स प्लस ए आयोटा का। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल एन ओवर एक्स प्लस ए आयोटा रेस्ट पावर एन प्लस 1। ओके ओके, अभी जो हमारा न्यूमरेटर में है माइनस 1 रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल एन इसे हम कॉमन ले लेते हैं। ओके, सो जब कॉमन लेंगे हमें मिलेगा माइनस 1 रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल एन ओवर 2 ए आयोटा ब्रैकेट में आपका बचेगा 1 ओवर एक्स माइनस ए आयोटा रेस्ट पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस ए आयोटा रेस्ट पावर एन प्लस 1। ओके ओके, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स माइनस ए आयोटा एक्स प्लस ए आयोटा इसे हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, सो पोलर फॉर्म में किस लिए करें, ताकि हमारे कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हम पोलर फॉर्म में लिखने वाले हैं। ओके देखिए, सो एक्स प्लस ए आयोटा का सपोज पोलर फॉर्म क्या होगा, आर कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। ओके, जहाँ पर आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड जो एंगल फाई है क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स ए बाई एक्स। ओके, ये सब तो आपको पता ही होगा, आपने 12th क्लास में सीखा होगा कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके ओके, चलिए अब नई बात हम ये बताने जा रहे हैं, ये जो आपका पोलर फॉर्म है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर ई रेस्ट पावर आयोटा फाई। इसे क्या कहते हैं, आयलर्स फॉर्मूला। ये आपके लिए नई बात है कैसे हम पोलर फॉर्म को ई रेस्ट पावर आयोटा फॉर्म में लिखते हैं। ओके चलिए, अब इसी तरीके से हम एक्स माइनस ए आयोटा को भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा आर कॉस फाई माइनस आयोटा साइन फाई। ओके, इसका आयलर फॉर्म क्या हो जाएगा, आयलर फॉर्मूला से आर ई रेस्ट माइनस आयोटा फाई। ओके ओके, चलिए अब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर हम रिप्लेस कर लेते हैं। सो रिप्लेस करेंगे हम मिलेगा माइनस 1 रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल एन ओवर 2 ए आयोटा, ये हो जाएगा रिप्लेस करने पे आर रेस्ट पावर एन प्लस 1 ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन प्लस 1 फाई। ओके, माइनस यहाँ भी रिप्लेस करते हैं, हमें मिलेगा आर रेस्ट पावर एन प्लस 1 ई रेस्ट पावर आयोटा एन प्लस 1 फाई। ओके ओके, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सो
माइनस वन रेस्ट टू पावर एन फैक्टोरियल एन ओवर टू ए आयोटा। अब ये जो आपका आर रेस्ट टू पावर एन प्लस वन है इसे कॉमन लेते हैं, ओके। सो हमें मिलेगा आर रेस्ट टू पावर एन प्लस वन, ओके। ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, वन ओवर ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा एन प्लस वन फाइव, ओके, माइनस वन ओवर ई रेस्ट टू पावर आयोटा एन प्लस वन फाइव, ओके ओके। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल, माइनस वन रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल एन ओवर टू ए आयोटा आर रेस्ट पावर एन प्लस वन। अब क्या करेंगे, ये जो आपका डिनोमिनेटर में है इसे आप न्यूमरेटर में लेके आइए, ओके। सो जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे हमें मिलेगा ई रेस्ट पावर आयोटा एन प्लस वन फाइव माइनस ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन प्लस वन फाइव, ओके। चलिए अब ये जो आपका लिखा है इसे आप फिर से यहाँ पर आप आयलर फॉर्मूला लगा के कॉस और साइन में कन्वर्ट करिए, ओके। सो कन्वर्ट करते हैं, माइनस वन रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल एन ओवर टू ए आयोटा आर रेस्ट पावर एन प्लस वन। कन्वर्ट करने में हमें मिल जाएगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं आयलर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो मिलेगा कॉस एन प्लस वन फाइव प्लस आयोटा साइन एन प्लस वन फाइव माइनस कॉस एन प्लस वन फाइव प्लस आयोटा साइन एन प्लस वन फाइव, ओके ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कैंसिल आउट हो रहा, ओके, और ये दोनों टर्म हमारे ऐड हो जाएंगे, ओके। सो ऐड करके लिखते हैं, हमें मिलेगा माइनस वन रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल एन ओवर टू ए आयोटा आर रेस्ट टू पावर एन प्लस वन इंटू टू आयोटा साइन एन प्लस वन फाइव, ओके ओके। अब देखिए ये आपका टू कैंसिल आउट हो गया, आपका आयोटा कैंसिल आउट हो गया, ओके। अब बाकी के जो टर्म्स हैं उन्हें लिख देते हैं, तो हमारे पास है माइनस वन रेस्ट टू पावर एन फैक्टोरियल एन ओवर ए आर रेस्ट टू पावर एन प्लस वन, ओके। और हमारे पास क्या प्रोडक्ट में है, साइन एन प्लस वन फाइव, ओके ओके। अब क्या करने वाले हैं, ये जो आपका आर रेस्ट पावर एन प्लस वन है इसे हम फिर से एंगल फाइव में कन्वर्ट करते हैं, ओके। इससे क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा वो एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। अभी दो वेरिएबल हैं फाइव और आर, अब हम क्या करने हैं इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक सिंगल वेरिएबल में यानी कि सिंपल फाइव में। चलिए करते हैं, तो हमें पता है हमारा जो आर था क्या था, हमारा जो आर है क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, ओके। एंड जो फाई क्या था, टैन इनवर्स ए ओवर एक्स, ओके। सो यहाँ से आपको टैन फाई क्या मिल जाएगा, टैन फाई मिल जाएगा ए ओवर एक्स, ओके। यहाँ से जब आप एक्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक्स इक्वल टू ए कॉट फाई, ओके। अब एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके। सो पुट करते हैं एक्स की वैल्यू, सो पुट करेंगे हम मिलेगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर, ओके। सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर फाइव प्लस वन, ओके। अब आपको पता है कॉट स्क्वायर फाइव प्लस वन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर फाइव, ओके। लिख देते हैं ए स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर फाइव, यहाँ से आपको आर क्या मिल गया, आपको आर मिला है ए कॉस एक्स फाइव, ओके। अब इस आर की वैल्यू हम इस इक्वेशन पुट कर देते हैं, ओके। सो पुट करते हैं, हम पुट करेंगे, हमें मिलेगा माइनस वन रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल एन ओवर ए आर की वैल्यू है ए कॉस एक्स फाइव। सो हो जाएगा हमारा ए रेस्ट पावर एन प्लस वन कॉस एक्स रेस्ट पावर एन प्लस वन फाइव, ओके। और प्रोडक्ट में क्या है, साइन एन प्लस वन फाइव, ओके। सिंप्लीफाई करते हैं, सो हमें मिलेगा माइनस वन रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल एन, डिनोमिनेटर में क्या है ए इंटू ए एन प्लस वन, क्या हो जाएगा ए रेस्ट पावर एन प्लस टू, सो हो जाएगा ए रेस्ट पावर एन प्लस टू, ओके। और ये जो आपका कॉसेक है डिनोमिनेटर में, उसे आप जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो हमें मिलेगा साइन रेस्ट पावर एन प्लस वन फाइव इंटू साइन
एन प्लस वन फाइव। ओके यही क्या हो गया एन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साफ साफ लिख देते हैं, सो डी एन ऑफ वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया माइनस वन रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल एन ओवर ए रेस्ट पावर एन प्लस टू साइन रेस्ट पावर एन प्लस वन फाइव इंटू साइन एन प्लस वन फाइव। ओके ओके, और यहाँ पर जो आपका एंगल फाई है क्या है फाई इक्वल्स टू टैन इनवर्स ए ओवर एक्स। ओके ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिखना ज़रूरी है। ओके ओके चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट बेस हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाते हैं। सो हम क्वेश्चन लगाने रहे हैं एक्सरसाइज का 7th का 3rd जो कि हमारा लखनऊ स्टेट एग्जाम 2008 में आया बैक पेपर में आया। ओके ओके सो आपका क्वेश्चन है हमें एन डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ओके ओके करते हैं, ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। ओके मैं फिर भी करा दे रहा हूँ, लेकिन आपको खुद से करना चाहिए लेकिन मैं फिर भी करा दे रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में आया हुआ है। ओके चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमने इसे क्या लिखा डी एन माइनस वन डी ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके मतलब हम पहले क्या करेंगे एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, फिर हम डी एन माइनस वन का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ओके देखिए ऐसा क्यों करें वो आपको समझ में आ जाएगी जब मैं सॉल्व करूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं डी एन माइनस वन, सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फर्दर डिफ्रेंशिएशन होगा हमें क्या मिल जाएगा टू एक्स। ओके सो न्यूमरेटर में क्या जाएगा टू एक्स। ओके चलिए सो हमारे पास है डी एन माइनस वन, आपके पास क्या है टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके अब हम क्या करेंगे नीचे आप जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसे फैक्टराइज करिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ओके करते हैं टू एक्स ओवर एक्स प्लस ए आयोटा इंटू एक्स माइनस ए आयोटा। ओके अब पार्शियल फ्रैक्शन करिए डी एन माइनस वन, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा मैं डायरेक्ट करता हूँ आप खुद से करिएगा। ओके आप सीखे हैं पार्शियल फ्रैक्शन ट्वेल्थ क्लास में तो आप खुद से करिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये जाएगा इसका एक्स प्लस ए आयोटा प्लस वन ओवर एक्स माइनस ए आयोटा। ओके अब एन डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते हैं आपने पढ़ा है तो क्या हो जाएगा माइनस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन ओवर एक्स प्लस ए आयोटा रेस्ट पावर एन। ओके प्लस अब एन डेरिवेटिव लिखते हैं वन ओवर एक्स माइनस ए आयोटा का क्या हो जाएगा माइनस वन रेस्ट पावर एन एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एक्स माइनस ए आयोटा रेस्ट पावर एन। ओके ओके आप देख सकते हैं ये आपका कॉमन टर्म है इसे हम कॉमन लेते हैं। सो कॉमन लेने में हमें मिलेगा माइनस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल ब्रैकेट में आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस ए आयोटा प्लस वन ओवर एक्स माइनस ए आयोटा रेस्ट पावर एन। ओके ओके अब फिर से हम एक्स प्लस ए आयोटा और एक्स माइनस ए आयोटा को पोलर फॉर्म में लिखेंगे। ओके तो क्या होगा हमारे पास एक्स प्लस ए आयोटा हो जाएगा आर ई रेस्ट पावर आयोटा फाई एक्स माइनस ए आयोटा आर ई रेस्ट माइनस आयोटा फाई, जहाँ पर आर क्या है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड फाई है क्या टैन इनवर्स ए ओवर एक्स। ओके चलिए रिप्लेस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में। ओके सो मिलेगा माइनस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये आपका हो जाएगा वन ओवर आर रेस्ट पावर एन ई रेस्ट पावर आयोटा एन फाई। ओके प्लस वन ओवर आर रेस्ट पावर एन ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन फाई। ओके ओके आप देख सकते हैं हमारा जो आर रेस्ट पावर एन है कॉमन है सो उसे कॉमन लेते हैं
और लिख देते हैं। सो हमारे पास है माइनस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल, कॉमन लेने पर हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आर रेस्ट पावर एन लिख देते हैं, और ब्रैकेट में क्या बचेगा वन ओवर ई रेस्ट पावर आयोटा एन फाई प्लस वन ओवर ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन फाई। ओके ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो आपके टर्म्स डिनोमिनेटर में है इसे आप न्यूमिनेटर में लेके आइए। सो जब हम न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो क्या पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ओके चलिए लेकर जाते हैं न्यूमिनेटर में। सो हमें मिलेगा माइनस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल, आर रेस्ट पावर एन आपका हो जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन फाई प्लस ई रेस्ट पावर आयोटा एन फाई। ओके ओके सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो आपका इसे हम फिर से हम क्या करेंगे कॉस और साइन के फॉर्म में लिखते हैं। ये जो आपका आयलर फॉर्मूला लगाया था इसे हम फिर से वापस कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस फॉर्म में। देखिए माइनस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आर रेस्ट पावर एन, और यह मिल जाएगा कॉस एन फाई माइनस आयोटा साइन एन फाई प्लस कॉस एन फाई प्लस आयोटा साइन एन एन फाई। ओके और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा साइन एन फाई कैंसिल आउट हो रहा। ओके अब ऐड करके ये जो आपका कॉस एन फाई है इसे ऐड करके लिख देते हैं तो हमें मिलेगा माइनस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आर रेस्ट पावर एन, और ये हो जाएगा टू कॉस एन फाई। ओके ओके चलिए अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हमारा आर क्या आ रहा था ए कॉसेक फाई। ओके सो ये जो आपका आर है इसे हम रिप्लेस करते हैं ए कॉसेक फाई से। ओके सो जब रिप्लेस करेंगे हमें मिलेगा माइनस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए रेस्ट पावर एन कॉसेक रेस्ट पावर एन फाई इंटू टू कॉस एन फाई। ओके ओके अभी जो आपका डिनोमिनेटर में कॉसेक है इसे आप न्यूमरेटर में लेके जाइए। सो जब न्यूमरेटर में लेके आएंगे क्या बन जाएगा साइन बन जाएगा। ओके सो हमें मिलेगा माइनस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में है ए रेस्ट पावर एन, प्रोडक्ट में आ जाएगा साइन रेस्ट पावर एन फाई इंटू कॉस एन फाई, और ये जो आपका टू है इसे आगे लिख देते हैं टू। ओके सो ये क्या हो गया हमारा एन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके ओके और यहाँ पर भी आप मेंशन कर देंगे फाई क्या था टैन इनवर्स ए ओवर एक्स, इसे आप भूलेंगे नहीं एग्जाम में। ओके वरना हो सकता है एग्जाम में एक नंबर काट ले। ओके चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, एट्थ का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एट्थ का फर्स्ट है आपका लखनऊ सिटी एग्जाम 2010 में आया हुआ है। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन हमारा हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन tan इनवर्स x का। ओके देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए कैसे कर रहा हूँ। इसे मैं लिखूँगा डी एन माइनस वन डी टैन इनवर्स x। ओके मतलब पहले मैं क्या करूँगा tan इनवर्स x का एक बार डिफरेंशिएट कर लूँगा, फिर उसके बाद n माइनस वन टाइम से डिफरेंशिएट करूँगा फॉर्मूला लगा के। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सो डी एन माइनस वन डिफरेंशिएशन ऑफ टैन इनवर्स x क्या होता है वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके ओके अब ध्यान दीजिएगा अभी हमने देखा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एन डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास है। ओके यानी कि हमें वहां क्या निकालना है एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यानी कि ए की जगह वन है और एन की जगह क्या है एन माइनस वन। ओके चलिए रखते हैं इसी फॉर्मूले में
ये आपका फॉर्मूला मैं कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ। सो आप ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, इस फॉर्मूले में क्या करूंगा, सिंपल क्या है, ए की जगह वन है और एन की जगह एन माइनस वन है। ओके, चलिए रिप्लेस करते हैं, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। सो माइनस वन रेस्ट पावर एन है फॉर्मूले में, यहाँ हो जाएगा माइनस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन। ओके, फैक्टोरियल एन है फॉर्मूले में, सो यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, डिनोमिनेटर में है ए रेस्ट पावर एन प्लस टू, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है वन। ओके, सो जब आप ए की वैल्यू वन रख देंगे तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, वन, कोई जरूरत नहीं लिखने की। प्रोडक्ट में आपका क्या है, साइन एन प्लस वन फाई, एन की जगह हमें रखना है एन माइनस वन, तो हमारे पास हो जाएगा साइन रेस्ट पावर एन फाई। एन टू क्या है, साइन एन प्लस वन फाई, एन की जगह हमें रखना है एन माइनस वन, सो हो जाएगा साइन एन फाई। ओके, यही क्या हो गया हमारा, डी एन ऑफ टैन इनवर्स एक्स। ओके ओके, बहुत इजी निकला। अब यहाँ पर फाई मेंशन कर देते, फाई क्या था हमारा, ओके वो भी जरूरी है बताना, मैंने एग्जामिनर क्या कर लेगा, नंबर काट लेगा, तो फाई मेंशन करना ना भूलें। तो फाई क्या था हमारा, फाई था टैन इनवर्स ए ओवर एक्स, यहाँ पर ए की वैल्यू वन है, सो हो जाएगा वन ओवर एक्स, और आपको पता है टैन इनवर्स वन ओवर एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स, ये आपका कॉट इनवर्स एक्स हो गया, यानी कि फाई क्या आ गया, कॉट इनवर्स एक्स। अब जाके आपका आंसर कंप्लीट हुआ। ओके, दोनों साथ में आप लिखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, एट्थ का थर्ड क्वेश्चन। ओके, मैं सारे क्वेश्चन कराऊँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फॉर्मूला भी आप अप्लाई करना सीख जाए। चलिए करते हैं एक्सरसाइज का एट्थ का क्वेश्चन क्या है, थर्ड, जो कि हमारा लखनऊ स्टेट एग्जाम 2011 में आया हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा डी एन ऑफ, में एन डेरिवेटिव निकालना है किसका, टैन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ओके, चलिए अब डी एन ऑफ टैन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है। ओके, आपने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्लास 12th में, ये किसका फॉर्मूला, 2 टैन इनवर्स x का। ओके, सो टैन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 2 टैन इनवर्स x लिख देते हैं, 2 टैन इनवर्स x। ओके ओके, अब ये जो आपका कॉन्स्टेंट 2 है इसे आप बाहर लिख दीजिए, तो हो जाएगा 2 डी एन ऑफ टैन इनवर्स x। ओके, और ये जो आपने लिखा है डी एन ऑफ एन डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स, अभी जस्ट निकाला है, ये देखिए भूल गए, ये तो है, यानी कि सिंपल हमें क्या करना है, यही लिख देना है, यही हमारा है डी एन ऑफ टैन इनवर्स एक्स। मैं फिर से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप फिर से करिएगा, खुद से करिएगा, सिखा तो दिया ही है मैंने, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, बस क्या अंतर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है, यानी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका आ गया 2, और ये किसका डिफिनेशन होगा, डी एन एन डेरिवेटिव, एन डेरिवेटिव हो गया किसका, डी एन ऑफ टैन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ओके, देखिए कितनी जल्दी मैं सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेम कॉन्सेप्ट पे है, प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन एट्थ का फोर्थ पार्ट। ओके, सो एक्सरसाइज का है हमारा, एक्सरसाइज का एट्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, जो लखनऊ स्टेट एग्जाम 2016 में आया हुआ है। ओके ओके, सो क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड आउट करना है एन ए डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ओके ओके, ध्यान दीजिए कैसे मैं करने वाला हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का, देखिए से कन्वर्ट करूँगा, उसी फॉर्म में आ जाएगा, फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं।
ओके सो सॉल्व करते हैं, हमारे पास है टैन इनवर्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ओके अब क्या करिए, ये जो आपका एक्स है, एक्स को मान लीजिए टैन थीटा। ओके चलिए मान लेते हैं, फिर ये आपका हो जाएगा टैन इनवर्स, और ये जो आपका 1 लिखा हुआ है, देखिए कहाँ कहाँ 1 लिखा हुआ है, एक आपका ये 1 लिखा हुआ है और दूसरा मैं डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है ना, वहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 1 इंटू एक्स डिनोमिनेटर में, ये आपका हो गया। ओके सो जहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ मैं वाइट 1, उस 1 को मैं वाइट कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझें। ओके 1 1 ओके सो जहाँ पर वाइट कलर से मैंने 1 लिखा है वहाँ पर मैं क्या लिखूँ, 1 की जगह टेन पाई बाय 4। क्यों? क्योंकि टेन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। रखते हैं सो हो जाएगा टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स को मैंने माना है टेन थीटा। ओके डिनोमिनेटर में आपका जाएगा 1 माइनस जो वाइट कलर से 1 है उससे मैं क्या लिखूंगा टेन पाई बाय 4, सो जाएगा टेन पाई बाय 4 इंटू एक्स, एक्स क्या है टेन थीटा, सो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। ओके ओके अब आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स, ये जो अंदर लिखा हुआ है टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा ओवर 1 माइनस टेन पाई बाय 4 टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी हो जाएगा टेन ए है आपका पाई बाय 4 और बी है थीटा। ओके ओके अब ये जो आपका है टेन इनवर्स टेन हट जाएगा, इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के, तो हम मिलेगा पाई बाय 4 प्लस थीटा। ओके अब यहाँ से एक्स इक्वल टू टेन थीटा था तो यहाँ से थीटा क्या जाएगा, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। ओके सो आपको मिल जाएगा, सो ये जाएगा पाई बाय 4 प्लस टेन इनवर्स एक्स। ओके सो टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 4 प्लस टेन इनवर्स एक्स। ओके अब चलिए इसे हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। ओके सो हमें मिलेगा डी एन ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा डी एन ऑफ पाई बाय 4 प्लस टेन इनवर्स एक्स। ओके ओके अब आपको पता है ये जो आपका पाई बाय 4 है क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ओके सो ये सिंपल क्या हो जाएगा डी एन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ओके ओके और इसे तो आप फाइंड कर ही चुके हैं, क्या है देख लीजिए, ये है आपका, इसे मैं फिर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी कितनी इजीली सॉल्व हो गया कॉपी पेस्ट करने से। ओके तो ये आपका हो गया आंसर, और किसका एन डेरिवेटिव निकाला है फिर से हम लिख देते हैं, हमने निकाला है एन डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ओके ओके सो आज का वीडियो यहीं तक, आज मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म करा दी अपनी तरफ से। अगर इन क्वेश्चन के अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो रही है आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया करेंगे। और एक और बात, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ्स कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है जो फर्स्ट सेमेस्टर के बीएससी मैथ्स के फर्स्ट सेमेस्टर को पूरा कवर कर रहा है। ओके तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसे शेयर करना, तो इसे शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।